मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 13% के करीब पहुंच गई। 24 घंटे में 59,343 टेस्ट किए गए, 7,678 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। 23 अफराद जान की बाजी हार गए, 17 का ताल्लुक सिंध से है। 961 मरीज ICU में जेर इलाज हैं। आग ने पूरा घर जला दिया। लाहौर के इलाके चुंगी अमर सिद्धू में शॉर्ट सर्किट के बायस मकान में आग लगने से 3 बच्चे झुलसकर जान बहक हो गए। मियां बीवी और 3 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मियों को जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब पुलिस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक अकाउंट बहाल कराने के लिए FIA साइबर क्राइम विंग की मुआवनत ली जा रही है। KP इस्लामाबाद और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस तमाम मोटरवेज बंद कर दी गई। M1 पिशावर से रशकई और बुरहान से सवाबी तक बंद। M2 शेखपुरा से कोट मोमिन तक हैवी ट्रैफिक और इस्लामाबाद से लिल्लाह तक तमाम ट्रैफिक के लिए बंद मोटरवे। M3 लाहौर से दरखाना तक, M4 शेरशाह से फैसलाबाद तक और M5 मुल्तान से गुड्डू तक बंद कर दी गई। M14 हकला से यार्क तक धुंध के बायस बंद है। ICC ने 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया। 16 टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान पहला मैच भारत के खिलाफ 23 अक्टूबर को खेलेगा। फाइनल 13 अक्टूबर को मैच। और अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 24 रन से हरा दिया। 240 रन के हदफ के ताकुब में अफगान टीम 9 विकेटों पर 215 रन बना सकी। पाकिस्तान ने ग्रुप सी में दोनों मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली।